हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लौटे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन हो रही है, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं। अगर आप काफ़ी प्रोडक्ट ट्राई कर चुके हैं तो आप इस प्रोडक्ट को भी मोस्टली मस्ट सी ट्राई कीजिए, एंड आपको कोई भी दूसरा प्रोडक्ट का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बता कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि उस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में बहुत अच्छे इम्प्रूव होंगे। अगर आपकी हाई पिगमेंटेशन हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिलाजमा की प्रॉब्लम हो रही है, झाइयों की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी सारी रिड्यूस होगी सिर्फ एक ट्यूब से। बस हमें तरीके पता नहीं होते कि हमें इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पर गलत इम्प्रूव कर जाते हैं, यानी कि गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते और हमारी पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट और बढ़ जाते हैं। अगर आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है तो मैं आपको ऐसे तरीके बताऊँगी, तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना कीजिए, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। एंड आपके फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियो बनाई है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं पिगमेंटेशन से, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारे ब्लड में। अगर हम उल्टी सीधी चीज़ें खाकर अपना ब्लड सर्कुलेशन ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले आप अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप पानी कम पीते हैं तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पिए। पानी हमारे स्किन के बहुत अच्छे से बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, एंड 73% हमारी स्किन में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है एंड बहुत ज़्यादा काम रहती है। तो चलिए मैं बता देती हूँ उसके बेनिफिट्स एंड इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूट्यूब मैंने काफ़ी 9 एंड 10 मंथ्स पहले इसको यूज़ किया था, एंड इसके बेनिफिट्स देख के मैं खुद हैरान हो गई थी कि एक प्रोडक्ट इतने ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे दे सकता है। तो मैंने इसको रेगुलरली इसको यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि मैं इसके बेनिफिट्स पता कर पाऊँ। तो मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करती थी। सबसे पहली प्रॉब्लम पता है हमारी क्या होती है, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम सनलाइट में जाते हैं, बाहर जाते हैं एंड कहीं भी ऐसे ही निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आप सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम शुरू ही ना हो। अगर आप सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एंड सेकेंड है, हम हमेशा फेस वॉश है ना वो गलत चुन लेते हैं, इसकी वजह से हमारी स्किन में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एंड हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी स्किन को लेके। फिर हमें डॉक्टर्स से सलाह लेनी पड़ती है एंड गलत गलत वीडियो हम देख कर हम गलत गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमें क्या प्रोडक्ट चुनना चाहिए एंड क्या प्रोडक्ट नहीं चुनना चाहिए। आपकी स्किन कोई भी है मगर आपको अपनी स्किन के रिलेटेड ही प्रोडक्ट लगाने चाहिए। एंड सेकेंड है जो मॉइस्चराइज़र, आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, डे में भी नाइट में भी। अगर आप अपनी स्किन को एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन बनाना चाहते हैं तो आपको स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन है ना वो गुड एंड हेल्दी एंड ग्लास भी हो पाएगी, अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो। तो इस क्रीम को हमें कैसे यूज़ करना है, तो हमेशा हम कोई भी पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट रिड्यूस करने के लिए कोई भी क्रीम यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप उसको नाइट में यूज़ करें ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर आप में कोई भी नाइट में कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दिन में सनलाइट की वजह से हमारी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड आपको ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ फाइन फेस, जिसका मैं रिव्यू भी कर रही हूँ इसी वीडियो में, तो आप इसको है ना नाइट में यूज़ करें। और हाँ, आप इसको फेस वॉश करके डायरेक्टली अप्लाई ना करें, जैसे कि काफ़ी लोग बहुत गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, तुरंत फेस वॉश किया और डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप तुरंत अप्लाई कर लिया अपने फेस पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई भी विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र लेना है, अपने फेस पर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट देना है 10 एंड 5 मिनट्स का।
फिर आप उसको अप्लाई करें बिल्कुल ही हल्के हाथों से, आपको बिल्कुल ही रगड़ना नहीं है, यानी कि काफ़ी लोग, और ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेना है, इतना भी नहीं लेना है कि बिल्कुल ही मुँह चिकना हो जाए, इतना भी कम नहीं लेना है कि बिल्कुल ही लगे ही ना। एंड नॉर्मल क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट लीजिए, आप वैसे इसको यूज़ कीजिए, ऐसे नहीं डायरेक्टली अप्लाई करने से ना हमारी स्किन में डायरेक्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन रिड्यूस होगी तो थोड़ा हार्ड ही होगा। एंड इसके अगर बिल्कुल ही डरिए मत, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और प्लीज़ आप इसको नाइट में यूज़ करें तो देख लेते हैं ये किस तरीके का निकलता है। तो इसे मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का निकलता है ये। एंड मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, अगर मुझे डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी पिंपल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अगर पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो आप तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइन फेस ऑल प्रॉब्लम्स का सलूशन है। एंड आपको सारे इसके बेनिफिट्स भी पता हो लग गए होंगे कि ये पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट रिड्यूस करता है, एंड आपके पिंपल्स भी कम करता है, एंड आपकी स्किन को बिल्कुल ही क्लियर करता है। अगर हाँ, जो लोग स्किन ब्राइटनिंग के लिए यहाँ पे आए, तो ये बिल्कुल ही स्किन ब्राइटनिंग के लिए नहीं है, पिंपल्स वगैरह के लिए। आपकी स्किन पर महीन महीन एलर्जी हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड बहुत अच्छे से काम करता है। पिगमेंटेशन मिलाजमा एंड झाइयों के लिए स्पेशलिस्ट है, एंड वो लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। अगर इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस, मैंने काफ़ी पहले इसको मंगाया था तो आई थिंक मैं इसकी प्राइस भूल चुकी हूँ, तो मैं इसको देख कर आपको बताती हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है गाइस। तो इसकी प्राइस आई थिंक 70 से 80 रुपये होगा या 60 रुपये होगा, इतने में आ जाता है। तो आई होप ये रिव्यू आपके लिए अच्छा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।